Let us continue the lesson. Boli, page number 58. Thus the years passed. The village became a small town. The little primary school became a high school. There were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill. गिनिंग मिल का मतलब है वो मिल जिसमें सेपरेट कॉटन फ्रॉम सीड कॉटन का जो फल आता है वो सूखने के बाद उसके अंदर बीज है काली मिर्च जैसा उस बीज को रुई से अलग करना होता है उसको मशीन के द्वारा अलग करने वाला मिल है गिनिंग मिल. द मेल ट्रेन बिगैन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन. वहाँ से जो ट्रेन गुजरती थी वो आजकल उस गांव में स्टॉपेज है. वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ देन शैल आई एक्सेप्ट बिशांबर्स प्रपोजल. उस रात एक रात खाने के बाद रामलाल अपनी पत्नी से पूछा बिशांबर का प्रपोजल स्वीकार कर लूं क्या. यस सर्टनली हिज वाइफ सेड. तो पत्नी ने बोला हाँ बिल्कुल. बोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड डू. ऐसे दूल्हा बोली बिल्कुल पसंद करेगी. वेल टू डू मीन्स धनी रिच वेल्थी. ए बिग शॉप ए हाउस ऑफ हिज ओन एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक. आदमी तो ठीक है बड़ा सा शॉप है खुद का घर है और बैंक बैलेंस ही भी बहुत अच्छी. मोर ओवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी. डाउरी यानी दहेज. ये तो दहेज भी नहीं मांग रहे तो इसका मतलब हाँ कर ले. दैट इज राइट बट ही इज नॉट सो यंग. यू नो ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम एंड ही ऑल्सो लिम्स. लेकिन पति ने बोला एक बात है नहीं वो जवान नहीं है करीब मेरे उम्र का है मतलब बच्ची के पापा के उम्र का है. मम्मी को ऐसा कोई चिंता नहीं पैसा ही दिखता है सब कुछ. और दूसरी बात वो लंगड़ा लंगड़ा है. मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप. दूसरी शादी है उसकी पहले वाले शादी में बच्चे भी है. तो यह मतलब फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप द चिल्ड्रन. एक से ज़्यादा बच्चा है उसमें. सो व्हाट डज इट मैटर हिज वाइफ रिप्लाइड. पति ने बोला तो क्या हुआ 45 और 50 इट इज नो ग्रेट एज फॉर ए मैन. उम्र 45 या 50 आदमी के लिए तो ज़्यादा उम्र तो नहीं है. वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस. ये तो है दूसरे गांव का इसलिए उन्हें हमारे बारे में इस लड़की के जो पोक मार्क्स से स्मॉल पॉक्स की वजह से हुआ उसके बारे में लड़की का दिमाग थोड़ा कमज़ोर है इसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है. देखा मम्मी लोग बच्चों की कमियां छिपाते. अगर ऐसा छिपाने के बाद शादी के बाद पता पड़ गया तो कितनी लड़ाई होगी और शादी का लाइफ तो बर्बाद हो जाता है.
लेकिन लोग देखो ऐसा भी कुछ लोग होता है जो सच्चाई तो छुपा के शादी करना करवाना चाहते हैं। इफ यू डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ। अगर ये माना नहीं ना तो ये कुंवारी रह जाएगी जिंदगी भर। यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से। देखो ठीक है तुम्हारी बात में मान ली, मैं भी थोड़ा बहुत मन लगाया, लेकिन भोली से पूछना पड़ेगा ना वो क्या कहेगी। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, शी इज लाइक अ डम कव। अरे बेवकूफ लड़की, क्या कहेगी वो, गूंगी गाय जैसी है वो, बोलते कहाँ है, अब बोले तो ही तुतला के बोलते। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल। हाँ तू सही कहती होगी, पति ने बोला। कुछ पति लोग ऐसे होते हैं ना, पत्नी की बात को आसटीस मानते, मानना ही पड़ते कभी कभी कुछ बातों पर। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड बोली ले अवे कॉर्नर कोर्ट, कोर्ट है ने चारपाई पलंग। इधर की सारी बातें भोली सुन रही थी वहाँ लेट के, लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, पति पत्नी के बीच के कम आवाज की बातें वो पड़े पड़े सुन रही थी। विशांबरनाथ वॉज ए वेल टू डू ग्रोसर, विशांबरनाथ परचूनी का दुकान वाले, ही केम विथ ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विथ हिम फॉर द वेडिंग। शादी में अपने सारे मिलने वाले के साथ वो आए, रिश्तेदार के साथ भी। ये ब्रास बैंड प्लेइंग, ये पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन, प्रोसेशन ने जुलूस विथ अ ब्राइड ग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स। यहाँ के सिस्टम के आधार पर दूल्हा घोड़े पर बैठ के आते, घोड़ा हो घोड़ी हो, नॉर्मली घोड़ी तो होती है लेकिन घोड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ हॉर्स शब्द इस्तेमाल किया इसलिए मैंने घोड़ा बोला, घोड़ी का शब्द तो मेयर होता है, इसलिए यहाँ के अधिक से अधिक जो आते हैं दूल्हा घोड़ी पर बैठ के आते हैं, एक कहते हैं घोड़े पर बैठ गया। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। शानो शौकत कर देके रामलाल थोड़ा खुश हो गया। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच ए ग्रैंड वेडिंग। उसने कभी सोचा ही नहीं उसकी चौथी बेटी की शादी इस तरह से धूमधाम से होगी। बोली सेल्डर सिस्टर्स हु हैड कम फॉर द ओकेशन वेरी एनवियस ओवर लक। उसकी बड़ी वाली तीनों दीदी छोरी गए, वो इसकी किस्मत को देख के जलने लगी, एनवियस जलस। व्हेन द ऑस्पिशियस मोमेंट केम द प्रीस्ट सेड ब्रिंग द ब्राइड। जब समय आ गए तो पंडित जी ने बोला लड़की को लेके आ। बोली क्लाड इन ए रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, वधु का ड्रेस पहन के आई, क्लाड मीन्स ड्रेस्ड। वॉज लेट टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द सेक्रेड फायर। उसको ला के बिठा दिया, जो फेरे लेते हैं ना आग वगैरह जला के, पंडित जी जो पढ़ना है पढ़ते हैं और उसके बाद आदेश देते रहते हैं, ये करो वो करो ये करो, वहाँ ला के बिठा दी। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ द फ्रेंड्स प्रॉम्प्ट विशांबरनाथ, विशांबर के एक दोस्त ने बोला माला पहना दो, गार्लैंड ने फूल माला। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येल्लो मैरीगोल्ड। दूल्हा माला पहनाने वाले थे, ये वुमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल, वेल यानी घूंघट फ्रॉम द ब्राइड्स फेस।
एक लेडी ब्राइड के चेहरे से घूंघट हटा दी। विश्वंबर टुक ए क्विक ग्लांस, विश्वंबर ध्यान से देखा चेहरा। द गार्लैंड रिमेन्ड पोइस्ड इन हिज हैंड्स, गार्लैंड उसका हाथ में अटक गए। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस, ये देखे भोली अपना घूंघट नीचे खींच लिए। हैव यू सीन हर, सेड विश्वंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम। विश्वंबर जो शादी करने के लिए आए थे वो बोला, देखा उसका चेहरा। शी हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस, उसका चेहरा पूरा दाग से भरा हुआ है। सो व्हाट, यू आर नॉट यंग इधर, तो क्या हुआ। दोस्त ने बोला, तुम जवान थोड़ी है। मे बी बट इफ आई एम टू मैरी हर, हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज। अगर ऐसा स्थिति में मैं उससे शादी करना है तो उसके पिताजी को 5,000 रुपये मुझे देना पड़ेगा। उस समय की बात है, 5,000 रुपये तो बहुत वैल्यूबल होता है। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर बट विश्वंबर्स फीट, एट विश्वंबर्स फीट। खोई पूरी तरह सामने वाले के सामने झुककर नमस्ते करके सब कुछ समर्पित करता है, उसी को दर्शाता है कोई आदमी अपना पगड़ी उतार के किसी के पैरों पर रखे। तो उसने ऐसा किया। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, टेक 2,000 रुपीज। तो उसके बाद रिक्वेस्ट किया, देखो भैया 5,000 देने के लिए मेरे पास है नहीं है, 2,000 दे दूंगा। नो 5,000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर। 5,000 देना है तो दे दो, वरना तुम्हारी लड़की को तुम रख दे। बी ए लिटिल कंसिडरेट प्लीज, इफ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। थोड़ा दया दिखा दो भाई, अगर आप इस तरह से चले जाओगे तो फिर मैं गांव वालों के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं बनूं। देन आउट विथ 5,000, फिर 5,000 दो। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, रामलाल वेंट इन ओपन्ड द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स। देखो गरीब लोगों की स्थिति, जब पैसा पर्याप्त घर पे नहीं है, लड़कियों को निकालने की कैपेसिटी नहीं है, तो इस तरह की समस्या किसी के साथ भी आ सकता है, खुद के साथ भी। पढ़ाई करो, अच्छा नौकरी ढूंढो, पैसा कमाओ, नहीं तो आने वाला समय की कोई हिसाब किताब नहीं है। बी केयरफुल। ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट, वो जाके पैसा लाके उसके कर चरणों पर रख दी। ऑन विश्वंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड ए ट्रायम्फेंट स्माइल, पैसा देके विश्वंबर को मुस्कुराना आया। ही हैड गैम्बल्ड एंड वन, उसने गैम्बल करके जीत गया। गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस्ड, बोला अब माला लाओ। वंस अगेन द वेल वाज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस बट दिस टाइम हर आईज वेयर नॉट डाउन कास्ट, एक बार और उसका घूंघट खिसकाया गया, अब की बार उसका चेहरा देखा तो बिल्कुल वो सिर झुका के नहीं बैठे। शी वाज लुकिंग अप, लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, अब की बार वो बहुत ध्यान से होने वाले पति की ओर देख रही थी। एंड इन हर आईज देयर वाज नीदर एंगर नॉर हेट, उसके आंखों में देखा है तो ना तो गुस्सा ना तो नफरत, कुछ भी दिखाई नहीं दिया, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, इधर का मतलब हेट्रेड। उसके चेहरे में नफरत ही नफरत का निशानी दिखाई दी। विश्वंबर रेज़्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट अराउंड द ब्राइड्स नेक, विश्वंबर उसको माला पहनाने वाले थे, बट बिफोर ही कुड डू सो बोलीज हैंड स्टक आउट लाइक ए स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंग इन टू द फायर, कि चोरी ने ऐसा हाथ घुमाया तो उसके हाथ से गार्लैंड फिसल के जाके
फायर में गिर गए। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, उठ गई, घूंघट फेंक दी। पिताजी, सेड बोली इन ए क्लियर लाउड वॉइस, एंड योर फादर मदर सिस्टर्स ब्रदर्स रिलेशंस एंड नेबर्स वे स्टार्टल्ड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टामर। आज तक ये सब कुछ ये समझ रखा था कि लड़की तो उतली है, बोलेगी नहीं, अब सब आश्चर्यचकित हो गए। बिल्कुल एक एक शब्द क्लियरली बोलते हुए सुनाई दी। पिताजी, टेक बैक योर मनी, पिताजी पैसा वापस रख दो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी करने नहीं जा रहा हूँ, मुझे इस आदमी से शादी नहीं करनी। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक, रामलाल शोक को गए। द गेस्ट बिगान टू विस्पर, गेस्ट आपस में बड़बड़ाने लगे। सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस, बहुत सूगला शेमलेस, शर्मिंदा की बात है। बोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल। पापा चिल्लाया, पागल हो गई क्या, यू वॉन्ट टू डिसग्रेस यूर फैमिली, तुम तुम्हारे परिवार को इंसल्ट करना चाहती है। हैव यू रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, हमारे इज्जत का कोई परवाह नहीं कर रही। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड बोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, आपके इज्जत के लिए बताऊं, मैं इस लंगड़े से शादी करने के लिए तैयार थी। बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टिबल कवर्ड एज माई हस्बैंड, लेकिन अब ये नीच, ग्रीडी, नफरत, कायर आदमी से मैं शादी नहीं करूँगी। देखो उसका क्या क्या शब्द इस्तेमाल करके उसका निंदा किया। आई वॉन्ट नहीं करनी मुझे इससे शादी। वॉट ए शेमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट शी वाज़ ए हार्मलेस डम कव। अरे कैसी छोरी, हमने सोचा ही बोलती नहीं है। बोली टर्न्ड वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमन, यस एंडी, यू आर राइट, यू ऑल थॉट आई वाज़ ए डम ड्रिवन कव। हाँ आंटी, सोचा है ना आप लोगों ने कि मैं गूंगी हूँ, बोलती नहीं है, गूंगी गाय जैसी है। दैट इज वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हर्टलेस क्रीचर, इसलिए आप लोगों ने चाहा ना इसके हाथ में देऊ मुझे। बट नाउ द डम कव, द स्टामरिंग फूल इज स्पीकिंग, लेकिन आप थोड़ी देर पहले बोला था ना ये गूंगी गाय, वही कहती हूँ, वही बोल रही हूँ। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, और सुनना है कुछ। बिशाम्बर ना द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी। बिशाम्बर को पता पड़ गया मामला गड़बड़े, वो खिसकने लग गया वहाँ अपने लोगों के साथ। द कन्फ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप ए क्लोजिंग सॉन्ग। बैंड वाले सोचा तो प्रोग्राम ख़त्म हो गए, और इसलिए वो फाइनल बैंड बजाया, चले यार हमारे ये भी खतरा है, अब हमें भी निकलना पड़ेगा, और प्रॉब्लम हो सकते हैं यहाँ रुके तो। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल बड़े मुश्किल से वहाँ खड़े हो गए, फिक्स हो गए, खड़े हो गए। एंड ही सेड बोर्ड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, दुख से शर्म से उसका सिर झुक गए। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेट फायर स्लोली डाइड डाउन, जो फेरे के लिए जो आग जलाते हैं वो भी धीरे धीरे बुझने लगे। एवरीवन वाज गॉन, सब चले गए। रामलाल टेंट बोली एंड सेट, बट व्हाट अबाउट यू, नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, व्हाट शैल वी डू विथ यू। देखो बेटा, तूने क्या किया, तू सोचती है तुम्हें शादी करेगा और कोई, हमारा क्या होगा।
एंड सुलेगा सिडिने वॉइस दैट वॉज इन काम एंड स्टडी डोंट यू वरी पिताजी। तो सुलेखा हिम्मत से बोला, पिताजी चिंता मत कर, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच। देखो मैं आप लोगों के साथ रह के आपके सेवा करेंगी, जिस स्कूल में मैंने पढ़ाई किया मैं वहाँ पढ़ाने लग जाऊंगी, इज इन दैट राइट। इज इन दैट राइट मैडम, सही बोला ना मैडम, मैं उसको स्कूल में ट्रेनिंग देने वाला वो टीचर वहाँ खड़ी थी, उससे पूछा क्योंकि उसको इस तरह एक नीडर लड़की बनाने के लिए, नीडर बोलने वाली बनने के लिए उसने मदद की थी, उससे पूछा मैडम मैं सही कह रही हूँ ना। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन ए कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा, शुरू से लेकर आखिरी तक ये सब कुछ देखे वो टीचर वहाँ खड़ी थी। यस बोली ऑफ कोर्स शी रिप्लाइड, उसने कहा बिल्कुल सही कहा, बोली यू आर राइट एंड इन हर स्माइलिंग आईज वाज द लाइट ऑफ ए डीप सैटिस्फैक्शन दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कंटेम्प्लेटिंग द कंप्लीशन ऑफ आवर मास्टरपीस। पूरी संतुष्टि के साथ वहाँ खड़े खड़े वो सोच रही थी, कंटेम्प्लेटिंग थिंक डीपली कंप्लीशन ऑफ आवर मास्टरपीस, उसके जो कृति का उसका जो काम का कंप्लीशन हो गया। बड़े संतुष्टि के साथ वहाँ खड़े खड़े वो ये सब कुछ देखने के बाद बोला बिल्कुल सही बोली, बोली यू आर राइट, जो कहना था सही कहा। देखो उसको अभी कोई चिंता नहीं है, उसका चेहरे में थोड़ा दाग है, बस अभी वो बोल सकती है, पढ़ी लिखी बन जाएगी। उसको खुद को पता है जब लोग पढ़े लिखे होने के बाद उसका गुण को देखे, चेहरा देखे नहीं है, गुण को देखे कोई भी उसको शादी करके ले जाए, उसको पता था। उस कॉन्फिडेंस के साथ अब्बास साहब ने लेसन यहाँ समाप्त किया। सो लेट अस स्टॉप हियर, रीड द लेसन, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एवर यू वर थिंकिंग। ओके,